नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज बहुत दिनों बाद हम एयर राइफल पे एक वीडियो बनाएंगे, क्रॉसमैन ऑप्टिमस। और बिल्कुल नई गन है, शायद मैंने 15-20 शॉट इससे चलाए हैं, 7-8 महीने पहले ली है। और अभी अभी हमने इसके ऊपर एक स्कोप लगाया है, ये स्कोप है, आप देख सकते हैं 39x40। ये टारगेट रहेगा हमारा, A4 पेपर पे है टारगेट। ये डिस्टेंस रहेगा 10 मीटर और पैलेट यूज करेंगे हम डायबोलो बेसिक RWS। थोड़ा जीरो किया है स्कोप को, पूरा जीरो तो नहीं है, फिर भी हम ग्रुपिंग चेक करेंगे। और बाइपॉड भी यूज करूंगा, हालांकि जो जहां से मैं शूट कर रहा हूं ये कोई परफेक्ट शूटिंग के लिए जगह नहीं है, तो ज्यादा एक्यूरेसी तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट बेस हो तो ज्यादा बेटर रहता है। ये 6 शॉट हिट हुए हैं, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने टारगेट चेंज किया है और डिस्टेंस है 20 मीटर और पैलेट यूज करेंगे गैमो लीथल। ये 3 राउंड मैंने अब इस टारगेट पे, ये मैं थोड़ा इसको जीरो किया इस पैलेट पे, ये जीरो करने से पहले का है, जब जीरो हो गया तो यहाँ मैंने 3 राउंड फायर किए हैं और ये लगे हैं यहाँ, ये हमने फायर किए हैं और पैलेट वैसे के वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ है इनको। ये एक पैलेट ये रिकवर हुआ है और ये दोबारा यूज होने लायक है, कितना हार्ड पैलेट है ये। इस पैलेट पे जीरो करते समय हमने जितने भी राउंड चलाए थे सभी रिकवर हो रहे हैं। तो दोस्तों ये पैलेट रिकवर हो गए हैं और फिर से यूज करने लायक हैं ये। 5 राउंड फायर करेंगे H&N Hornet हाईली पेनिट्रेटिंग पैलेट है ये। ये ब्रास की टिप है जो पेनिट्रेशन के लिए है। ये दोस्तों 5 राउंड H&N Hornet के, 2, 2, 4 और ये 5वां ये हिल गया, 1 रुपए के सिक्के के अंदर आ जाएगा सारा ये। तो यहाँ जहां मेरा लीथल लग रहा था जाके, और जब मैंने इसमें H&N Hornet डाला तो हॉर्नेट यहाँ लग रहा है जाके। तो हर पैलेट की जीरोइंग अलग अलग रहती है। लीथल गैमो लीथल यहाँ लग रहा था लेकिन H&N Hornet यहाँ लग रहा है आके। इसका कारण ये है कि लीथल एक हल्का पैलेट है, लगभग 6 ग्रेन का, 6-7 ग्रेन का, जबकि हॉर्नेट जो है ये लगभग 10 ग्रेन का है। अब H&N Hornet की पेनिट्रेशन पावर देखते हैं। बेहद हाईली पेनिट्रेटिंग पैलेट है ये, इसको फाड़िया इसने पूरा, इसको दोनों को क्रॉस करके ये यहाँ देख रहे हैं हम। एक तो अपने इस ऑप्टिमस क्रॉसमैन के लिए मैंने जो पैलेट ट्राई किया आज, उसमें जो सबसे अच्छा पैलेट मुझे लगा वो ये लगा H&N Hornet का, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी आई, ग्रुपिंग बहुत शॉर्ट ग्रुप में लगा, छोटी जगह पे लगा के। ये पेनिट्रेशन हाईली पेनिट्रेटिंग है और एक्सपेंशन भी काफी ज्यादा है, तो इन फ्यूचर में इसी पैलेट को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा बाकी पैलेट्स के हिसाब से। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने अलग अलग पैलेट्स चलाए क्रॉसमैन ऑप्टिमस गन से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए हम वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद।